क्या आप जानते हैं कि क्यों कुछ बच्चों के सेकेंड अटेम्प्ट में कम मार्क्स आते हैं कंपेयर टू फर्स्ट? अगर नहीं तो आज मैं इस वीडियो में पूरी बात ही समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन होने वाली है, तो वीडियो का एंड तक देखना ना भूलें, क्योंकि अगर वीडियो का एंड तक नहीं देखोगे तो स्टोरी का पॉइंट मिस कर दोगे। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात कुछ इस तरीके से है कि फेलियर्स मीन नथिंग एट ऑल इफ सक्सेस कम्स इवेंचुअली, कि मतलब फेलियर कोई मैटर ही नहीं करता, कोई दे मीन नथिंग एट ऑल इफ सक्सेस कम्स इवेंचुअली, कि अगर सक्सेस आपको मिल जाती है आखिरकार तो फेलियर कोई मैटर नहीं करते। अब जो बच्चे होते हैं, जब उनका पहला अटेम्प्ट होता है वो जब क्लियर नहीं हो पाता क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी होती है, उसके बाद भी उनका एग्जाम क्लियर नहीं होता, तो सबसे पहले क्या होता है, बच्चा हो जाता है डिस्करेज, फिर वो होता है डीमोटिवेट, उसके बाद वो हो जाता है स्लो डाउन, और उसके बाद जो सेकंड अटेम्प्ट में जो उसकी एफर्ट्स होती हैं वो होती हैं वीक। इस वजह से सेकंड अटेम्प्ट में उसके मार्क्स कम आते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट से अटेम्प्ट के कंपैरिजन, क्योंकि उसने सेकंड अटेम्प्ट में कम मेहनत करी होती है फर्स्ट अटेम्प्ट के मुकाबले, क्योंकि वो डिस्करेज हो जाता है, इसलिए वो इतनी मेहनत करता ही नहीं जितनी उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में की थी, इसलिए उसके मार्क्स सेकंड अटेम्प्ट में कम आते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लो दो बच्चे हैं, दोनों ने एग्जाम दिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दोनों का ही क्लियर नहीं हुआ, फिर से दोनों ने सेकंड अटेम्प्ट दिया, सेकंड अटेम्प्ट भी नहीं क्लियर हुआ, लेकिन जो पहला बच्चा था वो क्विट कर देता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्करेज हो जाता है। लेकिन जो सेकंड वाला बच्चा होता है उसने मेरी कहीं ना कहीं वीडियो देख ली होती है और उसे बात पता होती है कि फेलियर कोई मैटर नहीं करते, दे मीन नथिंग एट ऑल अगर सक्सेस आखिरकार मिल जाती है, और वो थॉट उसे चीयर अप करता है और उस टाइम पे उसे मोटिवेट करता है जब वो मेहनत कर रहा होता है लेकिन उसके बाद भी उसे कोई रिजल्ट और हार्डवर्क करने के बाद भी कोई सक्सेस नहीं मिलती, उस टाइम पर भी उसे मोटिवेट करता है कि मेहनत करते रहने के लिए। तो मान लो उसका थर्ड टाइम में भी नहीं हुआ, अब थर्ड टाइम में उसको डिस्करेजमेंट होगी, बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन उसे बात कहीं ना कहीं पता लग जाती है कि अगर तू सक्सेसफुल हो गया तो तेरे फेलियर को कोई याद नहीं करेगा ना कोई पूछेगा। तो ये थॉट उसे चेयर अप करता है और उसे मोटिवेट करता है उस टाइम पे मेहनत करने के लिए जब वो मेहनत कर रहा है कॉन्स्टेंटली पागलों की तरह, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट या फिर कोई सक्सेस नहीं मिल रही। और लेट्स सपोज उसका चौथे अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, तो पहली बात तो विनर है कि उसने क्विट नहीं किया, सब उसकी वाह वाह करेंगे, तारीफ करेंगे, पार्टी होगी, ढोल बजेंगे और उसके फेलियर को कोई याद नहीं करेगा। और लेट्स सपोज अगर कोई ये भी बोले कि भाई इसने तो तीन अटेम्प्ट में फेल होने के बाद, तीन बार फेल होने के बाद इसने चौथी बार में किया है, तो सामने वाले का जवाब यही होगा कि आखिरकार उसने कर तो लिया, चाहे तीन बार में किया हो चार बार में किया हो, मैटर वो नहीं किया, उसने करा तो सही, क्विट तो नहीं किया। तो ये बड़े बड़े आदमियों में भी, जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं उनके अंदर भी होती है। अब शाहरुख खान का एग्जाम्पल लो, शाहरुख खान की मान लो दो तीन फिल्में अगर नहीं चलती और वो डिस्करेज होकर क्विट कर देता, तो आज हम जिस शाहरुख खान को जानते हैं, क्या हम उसे पहचानते कभी? हम क्यों जानते भी नहीं कि कोई शाहरुख खान का नाम दुनिया में कोई बड़ा आदमी भी है जो बहुत बड़ा एक्टर है दुनिया का या बॉलीवुड का। लेकिन कहीं ना कहीं जो सक्सेसफुल आदमी होते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो, विराट कोहली, शाहरुख खान हो, कहीं ना कहीं ये इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, इसी वजह से आज इतने बड़े आदमी बने। आप लेट सपोज जॉब इंटरव्यू दे रहे हो, आपका पहला अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट में नहीं हुआ, आप डिस्करेज रहोगे तो आप जॉब इंटरव्यू देने नहीं जाओगे तीसरी बार। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपको ये बात पता है कि फेलियर्स मीन नथिंग एट ऑल इफ सक्सेस कम्स इवेंचुअली, तो आपको पता है कि जिस दिन आपकी जॉब लगी उस दिन आपके ये फेलियर और आपकी डिस्करेजमेंट कोई मैटर नहीं करेगी, और ये थॉट आपको चेयर अप करेगा और आपको उस टाइम पे मोटिवेट करेगा जब आपको रिजेक्शन पे रिजेक्शन रिजेक्शन पे रिजेक्शन मिल रही है और आपको कोई सक्सेस और कोई आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। लेकिन जिस दिन मिल गई उस दिन आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि ये तीन बार फेल हो गया, चार बार फेल हो गया, से पांचवी बार में जॉब मिली है, सभी बोलेंगे वाह कॉन्ग्रेचुलेशन, आखिरकार जॉब तो मिली गई ना, बंदे ने क्विट तो नहीं किया। अब लेट्स सपोज मैं यूट्यूबर हूँ और मेरा एक दोस्त है, हम दोनों ने स्टार्ट किया, पहली 10 वीडियो मेरी भी फ्लॉप, मेरे भी वीडियो 10 फेलियर होती है और उसकी भी 10 वीडियो पहली फेलियर होती है, लेकिन वो फेलियर से डिस्करेज होता है, वो क्विट कर देता है, तो ऑब्वियसली उसे यूट्यूब पर सक्सेस कभी नहीं मिलेगी। लेकिन मुझे ये बात पता है कि अभिषेक जिस दिन तू सक्सेसफुल हो गया ना उस दिन ये तेरा कोई फेलियर याद नहीं करेगा और कोई मैटर नहीं करेगा ये फेलियर तेरे, तो उस टाइम पे ये थॉट मुझे चीयर अप करेगा मेहनत करने के लिए, मुझे मोटिवेट करेगा, कब, जब मैं वीडियो पे वीडियो बनाए जा रहा हूँ लेकिन ना तो मुझे कोई रिजल्ट दिख रहा है ना ही मुझे कोई सक्सेस मिल रही है, क्योंकि वो बहुत क्रूशल पॉइंट होता है सक्सेस और फेलियर के बीच में, क्योंकि ज्यादातर लोग वहीं पे क्विट करते हैं जब उनको सक्सेस मिलने वाली होती है लेकिन वो हार्डवर्क कर रहे होते हैं लेकिन उनको कोई रिजल्ट और सक्सेस नहीं दिखती, इसलिए उस टाइम पे वो क्विट कर देते हैं, इसलिए उनको कभी वो सक्सेस मिल ही नहीं पाती। तो चाहे आप जॉब दे रहे हो या यूट्यूबर हो या कोई स्टूडेंट हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो मेरी बात ध्यान रख लेना कि लाइफ में सक्सेस के लिए फेलियर कंपलसरी है, फेलियर के बिना कोई सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन जिस दिन आपको सक्सेस मिल गई उस दिन फेलियर कोई मैटर नहीं करेंगे, और ये थॉट आपको चीयर अप करना चाहिए, उस टाइम पे मोटिवेट करेगा When the going seems hard, जब आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको कोई रिजल्ट और हार्डवर्क करने के बाद भी कोई सक्सेस नहीं मिल रही। और एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में देखो कोई बच्चा अगर स्कूल में फेल होता है ना तो उसका सब मजाक उड़ाते हैं, बच्चे भी, घर वाले भी, नेबर्स भी, टीचर्स भी,
लेकिन लाइफ में उल्टा होता है। लाइफ में आपको बिना फेलियर के सक्सेस नहीं मिल सकती। हमारे को अपने फेलियर से लर्न करना चाहिए। डिस्करेज होते हैं, ठीक है, लेकिन जब भी आपके अंदर फेलियर आपको महसूस हो, आप या फिर एक्सपीरियंस कर रहे हो अपनी लाइफ में फेलियर और आपको डिस्करेजमेंट हो रही है, तो आपको ये थॉट याद रखना है कि जिस दिन आपको सक्सेस मिल गई उस दिन ये फेलियर कोई मैटर नहीं करेंगे, डिस्करेजमेंट कोई मैटर नहीं करेगी। और ये थॉट आपको चीयर अप करना चाहिए एंड इट शुड मोटिवेट यू टू हेल्प यू कीप ऑन कीपिंग ऑन व्हेन द गोइंग सीम्स हार्ड। तो ये बात आपको एक्सेप्ट करनी होगी कि सक्सेस के लिए फेलियर कंपलसरी और लाइफ में फेलियर मिलता है ही मिलता है। अगर फेलियर नहीं मिलेगा तो सक्सेस नहीं मिल पाएगी। तो आई थिंक आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो आज अच्छी लगी हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना या फेसबुक पे मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हो। तो आज आपने मेरे को इतना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।